प्रार्थना, आखिर आपने इनका कर्जा चुकाने के लिए क्या सोचा है? इस वक्त तो कुछ नहीं सोचा और ना ही मेरी कुछ समझ में आया है। तो इस तरह तो ये बला सिर से ना टलेगी। परमेश्वर सहायक है। अगर आप मेरी सम्मति से सहमत हो तो मैं कुछ प्रार्थना करूं। मैं तुम्हारी शुभ सम्मति से क्यों ना लाभ उठाऊं? संभव है कि तुम्हारे किसी उपाय से कुछ बोझ हल्का हो जाए। उपाय तो क्या ही है, केवल इस आपत्ति काल को टालना है। आप ऐसा कीजिए, मुझे बेचकर इस बोझ को हल्का कर लीजिए। हो सकता है कोई धनवान पुरुष इतना रुपया देकर मुझे खरीद ले। मेरी जिंदगी में यदि ऐसा अनुचित कर्म होगा तो मैं संसार में जिंदा ही फिरूंगा। माताजी, आप ऐसे शब्द अपने मुंह से ना निकालिए। पिताजी, आप माताजी के बदले मुझे बेच डालिए। ओ बेटा, परमात्मा दया करो, इस प्रकार की कठिन परीक्षा में ना डालो। प्रिय जी, तुम मुझे ऐसे नीच कर्म करने के लिए तैयार कर रही हो जो आज तक पृथ्वी पर किसी बुरे से बुरे व्यक्ति ने भी ऐसा को कर्म नहीं किया। ऐसा घोर दृश्य देखने से तो उचित है मुझे मृत्यु हुआ जाए। यदि तुम इस काम के लिए तैयार हो, अर्थात मरने वरने का विचार हो, तो पहले मेरा कर्जा अदा कर दो, फिर चाहे कल मरते आज मर जाओ, मैं ऐसा काम कभी ना करने दूंगा। और तुझे सारी उम्र के लिए तो क्या, एक पल के लिए भी ना मर ले दूंगा। स्वामी, इसके सिवा अब और कोई उपाय नहीं हो सकता। अगर किसी की मेहनत मशक्कत करके भी अपना बोझ हल्का करना चाहे तो इतना रुपया इकट्ठा होना संभव है। परमेश्वर ने विपत्ति डाली है तो फिर संकोच किस बात का। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानूंगी अगर मेरा शरीर किसी भी प्रकार से आपके काम आएगा। पिताजी, ये कर्म करने से पहले मेरे एक साधारण से प्रश्न का उत्तर दीजिए। पूछो बेटा। यदि हमारी यह दशा ना होती बल्कि हम अपनी पहली अवस्था में होते तो आपके बाद राज का अधिकारी कौन होता? बेटा, तू होता। वह क्यों? क्योंकि क्योंकि तू मेरा पुत्र है और पिता के बाद पुत्र ही अपने पिता की जायदाद का हकदार होता है। जब पुत्र पिता की जायदाद का अधिकारी होता है तो पिता के कर्ज का जिम्मेदार भी पुत्र ही होता है। इसीलिए उचित यही है कि आप मुझे बेचकर इस ऋण का बोझ अपने सिर से उतारिए। अच्छा, कर्म की गति ना जाने और क्या क्या दुख दिखाएगी। यह किसे मालूम था कि विपत्ति के समय अपनी संतान और प्राण प्यारी स्त्री अपने पास ना रहने पाएगी। इसके अतिरिक्त अपने पुत्र स्त्री को बेचने के कर्म की स्याही मेरे माथे पर लग जाएगी।
प्राणनाथ, आप कुछ धैर्य कीजिए, सब्र और शांति से काम लीजिए। यद्यपि मेरे कलेजे आपके वियोग की छुरी लगती है, परंतु यदि प्रारब्ध में यही लिखा है तो इसे रोकने की आखिर किसकी शक्ति है? अब सोच और चिंता बिल्कुल फिजूल है, जो कुछ हो रहा है ईश्वर इच्छा के अनुकूल ही हो रहा है। प्रभु, अगर आपकी यही इच्छा है तो तथास्तु। अब मैं काशी के लोगों को पुकारता हूं, काशी के लोगों, काशी के लोगों, मैं अपनी प्राण प्यारी स्त्री और अपने जिगर के टुकड़े को बेचता हूं। अगर कोई खरीदार हो तो आओ, जिसको यह सौदा मंजूर हो तो आओ। ए काशी के लोगों, मैं अपने पुत्र और प्राण प्यारी स्त्री को बेचता हूं, कोई खरीदार हो तो आओ। काम बन गया। ए मेरे भैया, मुझे अपने घर के काम काम के लिए ना एक टहलनी की जरूरत है, क्या तुम इस स्त्री को मेरे हाथ भेजने को तैयार हो? जब मैं इसको सरे बाजार भेज रहा हूं तो हर एक मनुष्य को इसको खरीदने का अधिकार है। तो क्या मोल है इसका? मैंने 2.5 भार सोना इन ब्राह्मण देवता का देना है, बस इसकी यही कीमत है। 2.5 तोला तो बहुत ज्यादा है भाई, यहां मेरी जान निकल जाएगी, मैं इसका 1 तोला दे सकता हूं। मुझे तेरे कर से कोई लेना देना नहीं, अगर तू तैयार हो तो मैं देने को तैयार हूं, वरना तेरी मर्जी, मैं चला अपना। रुकिए सेठ जी, रुकिए। अच्छा, इसका 2 भार सोना ही दे दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक भार सोना लेना है तो ले और इसे मेरे हाथ भेज, वरना किसी और को देख। कुछ ज्यादा दे दो। पागल है क्या? 1 पाई भी ज्यादा नहीं। अच्छा सेठ जी, बहुत अच्छा, ले, मुझे स्वीकार है। अगर आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर सके, इस बच्चे को भी खरीद लीजिए। आपकी कृपा से माँ और बेटा दोनों एक ही जगह अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। वो तो तेरी बात ठीक है, ऐसे का मैं क्या करूंगा, सेठानी तो मेरी जान खा जाएगी, न काम का न काज का ढेर मनाज का। चल जरा भाग के दिखा, भाग के दिखा, भाग, वापिस आ। ठीक है, चल तू कहती है तो इसे भी मैं खरीद लेता हूं, इसके लिए मैं काले मोतियों की माला दूंगा, अगर मंजूर हो तो ले ले, वरना मैं चला। बहुत अच्छा माल। हाँ, ये भी ठीक हुआ, काम बन गया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये ले काली मोतियों की माला, चल भाई आओ। प्राणनाथ, आपकी दासी महाराज,
प्राणनाथ, आपकी दासी आपके चरणों से अलग हो रही है। प्रारब्ध को यह भी स्वीकारना था कि विपत्ति के दिन एक जगह बैठकर ही व्यतीत कर लेते। मालूम नहीं इस जिंदगी में अब दोबारा आपके दर्शन मुझे नसीब होंगे या नहीं। इसीलिए मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, मेरे सारे अपराध क्षमा कीजिएगा, मेरी भूल चूक को भूल जाना। प्यारी तारा, भारत ने ये व्योम का तीर बहुत बुरी तरह हमारे हृदय में मारा है। मुझ जैसे कर्महीन के साथ लगकर तूने जहां और दुख सहे है, इसको भी सब्र के साथ सहना। रोहित अभी बच्चा है, इसका हर तरह से ख्याल रखना। ये आशा तो कहा कि अब ये विद्या अध्ययन करेगा, परंतु जहां तक भी हो सके इसको दुर्जनों की संगति से बचाना। बेटा रोहित, मेरे कलेजे के टुकड़े। अंतिम बार तुझे देख लूं, तेरे दर्शनों से अपने दिल की लगी को बुझा लूं, फिर तुम अपना रास्ता संभालो और मैं अपनी राह लूं। पिताजी, आप हमें ये कहां भेज रहे हैं? बेटा, पिताजी नहीं भेज रहे, बल्कि पिताजी की पत्नसीबी तुम्हें खींचे हुए ले जा रही है। तो क्या आप साथ नहीं पधारेंगे? नहीं बेटा, नहीं। क्यों? क्योंकि किस्मत को यही मंजूर था। तो पिताजी, आपके बगैर मेरे लिए अच्छी अच्छी चीजें कौन लाएगा? मुझको अपनी गोद में कौन बिठाएगा? जब माताजी का चित उदास होगा तो उन्हें धैर्य कौन बंधाएगा? बेटा, सरिता तेरे लिए अच्छी अच्छी चीजें लाएगी, यतीमी तुझको अपनी गोद में बिठाएगी। जब कभी तेरी माता उदास हो जाएगी तो मुफलसी और बेबसी उसका धैर्य बंधाएगी। अरे भाई, अब चलोगे भाई कि सारी कथा यही खत्म करनी है? चलो बेटा, सिधारो, आओ प्रिय, अपने मन को मारो, चित को अधिक कलेश में ना डालो, मुझसे विदा हो और अपना मार्ग संभालो। चल भाई, सिधारो, सिधारो, आ जाओ आ जाओ, पीछे पीछे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, विदा हुए, आ जाओ आ जाओ, विदा हुए मेरे दिल के अरमान, विदा हुए। ऐश आराम के सामान तो थैंक यू पहले ही खो बैठा, पुत्र और पत्नी से भी अपने हाथ धो बैठा। बिठाया हर तरह मुझको जमाने से, हाय हाय, नहीं उम्मीद जीते जी शकल उनकी नजर आए। प्यारी, अरे पहले मेरा हिसाब किताब चुका दे, फिर फुर्सत ही फुर्सत है, जी भर के रोते रहना। कृपा निधान, अब तो मेरा पीछा छोड़िए,
मेरा बाकी का एक भार सोना दे दे, अभी चला जाता हूं। मैं तो तेरे जैसे मनहूस की सूरत भी नहीं देखना चाहता। इस वक्त मैं क्या प्रबंध कर सकता हूं, जो वसूल हो चुके वही ले जाइए, बाकी का प्रबंध भी एक दो दिन में हो जाएगा। तू बहुत चतुर है, मैंने यहां पीठ फेरी और तूने पत्र बांचा। जाने को मेरा कहां ठिकाना है, मेरी दशा पर दया कीजिए प्रभु। मैं तो पाई पाई अभी लूंगा, मैं भी बहुत दुखी हो चुका हूं, बस मेरे हाल पर तू ही दया कर। कहां से लाओ? स्त्री और पुत्र के गले पर छुरी चलाना तो आसान था, अब अपने आप को बेच के दिखा। अच्छा दयालु, मैं ये भी करने को तैयार हूं। तो फिर विलंब किस बात का, देर किस बात की, चढ़ जा बेटा सूली पर, बलि करेंगे भगवान। ए काशी के लोगों, ए मनुष्य के व्यापारियों, मैं अपने शरीर को बेचता हूं, किसी को आवश्यकता हो तो आओ और मुझे खरीद लो। ए काशी के लोगों, ए मनुष्य के व्यापारियों, मैं अपने शरीर को बेचता हूं, आओ कोई खरीदार आओ। क्या मोल है? एक बार सोने का। यह तो बहुत ज्यादा है, परंतु मुझे एक नौकर की जरूरत है। मुझे एक नौकर की जरूरत है, इसलिए इसको मैं खरीद लेता हूं। आपका बड़ा उपकार होगा महाराज, परंतु खरीदने से पहले मैं तुझसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। पूछिए महाराज। तुझे मालूम है कि मैं कौन हूं और मेरे अधीन तुझे क्या क्या काम करने होंगे? नहीं महाराज, मुझे कुछ मालूम नहीं। मैं एक चारज हूं और मरघट पर मुर्दे जलाना मेरा काम है। इसके अतिरिक्त शाही जल्लाद हूं, जिस किसी बदनसीब को कत्ल की सजा दी जाती है तो उसका सर कलम करना पड़ता है। अगर ये सब काम मंजूर हो तो मैं तुझे खरीद लेता हूं। जो आज्ञा आप देंगे, एक दास के रूप में उसका पालन करना मेरा धर्म होगा। जब छोड़ दिया स्थान अपना, फिर जाति का अभिमान कहां? जब मन को अपने मार लिया, फिर रहा मान अपमान कहां? अच्छा अच्छा तुम ले। अच्छा तो ये ले, टोकरी और झाड़ू ले और जाकर शमशान घाट में
मुर्दा जलाने ले, और अगर कोई मुर्दा जलाने आए तो उससे पहले एक टका लेना, ले बांस पकड़ और ये टोकरी उठा। जो आ गया महाराज। लाइए महाराज। ये ले एक भार सोना ले और जाके मुर्दे जला, और अगर तू शुद्ध हृदय से ये काम करेगा तो हम तुझे फटे पुराने कपड़े और बासी भोजन भी देंगे। बहुत अच्छा महाराज, बहुत धन्यवाद आपका। लीजिए महाराज। गुरु विश्वामित्र जय हो। अब तो आपका कर्जा पूरा हुआ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, बता दूंगा गुरु विश्वामित्र को। चलिए मालिक, कहाँ चलना है? चलिए चलिए महाराज, चलिए महाराज।